लैलतुल कद्र, इसके बारे में चंद बातें सुन लीजिए। एक तो किताब में एक हदीस में ये आया कि सारे साल के किसी रात में तलाश करो, फिर एक जगह आया रमजान की रातों में तलाश करो, फिर आया कि आखिरी अशरे में तलाश करो, और फिर आया कि अच्छा आखिरी अशरे के भी ताक रातों में इसको तलाश करो। तो इशारे देते गए, लेकिन अल्लाह ने इसको छुपा के भी रखा, खोला भी नहीं। मख्फी क्यों रखा? कि अगर मुतायन करके बता देते तो हम में से बहुत से लोग ऐसे होते गफलत वाले, इंतजार करते रहते अभी लैलतुल कदर आएगी, उठ जाएंगे उसी रात को मांगेंगे। जब वो रात आती तो कहते अभी तो बड़ी लंबी पड़ी है, थोड़ी देर बाद मांगेंगे। और जब आखिरी वक्त रह जाता लोटा लेके वजू के लिए चल रहे होते। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको छुपा दिया कि इंसान कोशिश और मेहनत करे, हिम्मत करे, लेकिन इशारे भी दिए। अब आप में से जो चाहे कि वो लैलतुल कदर पाए, 83 साल की इबादत से ज्यादा उसका सवाब है। इंसान की पूरी जिंदगी आजकल 83 साल बमुश्किल, तो एक रात का सवाब पूरी जिंदगी से ज्यादा। आपको तरीका बता देते हैं, जो इस पर अमल कर लेगा गारंटेड उसको लैलतुल कदर मिलेगी इंशाअल्लाह। वो क्या तरीका है कि रोजाना सहरी से पहले या सहरी के बाद, मकसद ये कि फजर की आजान से पहले, सुबह सादिक से पहले 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने खड़े हो जाएं, कुरान पढ़ लें, दुआ मांग लें, नमाज पढ़ लें, कोई भी इबादत में मसरूफ अपने आप को कर लें 15-20 मिनट आधा घंटा। जिस रात शाबान का रात दिन खत्म हो, रमजान की रात शुरू हो, उस दिन सहरी, पहली सहरी से पहले आखिर रमजान तक पूरा महीना ये मामला रखें, आपको लैलतुल कदर मिल गई। अब इसकी तो दलील भी होनी चाहिए ना। दलील ये है कि कुरान मजीद के अंदर आता है, जब भी वो खास रहमतें बरकतें नाजिल होती हैं वो रहती हैं ही हत्ता मतलाइल फजर। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जिसे तशरीफ लाते हैं बैतुल्ला शरीफ के ऊपर, झंडा गाड़ते हैं, फिर फैल जाते हैं फरिश्तों के साथ, जमात के साथ, मुख्तलिफ जगहों पर फरिश्ते फैल जाते हैं, तो कोई नहीं जानता कि रात को 9 बजे आएंगे, 10 बजे आएंगे, 11 आएंगे, 12 आएंगे, 2 आएंगे, 2:30 आएंगे, किसी को इल्म नहीं, कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के। लेकिन कुरान ने यह इशारा दे दिया कि जब भी वो आते हैं, रहते कब तक है, हिया हत्ता मतलाइल फजर, रहते वो तहज्जुद के वक्त तक हैं, फजर की अजान तक हैं। तो जो आदमी फजर की अजान से पहले आधा घंटा 25 मिनट रोज अल्लाह को दे दे, मुसल्ले पे लगा ले, मांगने में लग जाए, उसको लैलतुल कदर मिल जाएगी।